टू ऑल यू लोग चैनल। सो गाइस आज हम आए हैं श्री कृष्ण म्यूजियम में। यहाँ पर मैं आपको महाभारत और श्री कृष्ण जी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो गाइस मैं आपको अंदर विजिट कराता हूँ। श्री कृष्ण म्यूजियम है कैसा, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं शूट करने की कोशिश करूँगा गाइस आपके लिए। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं, आ जाओ। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय है। देशभर से एकत्र भगवान कृष्ण से संबंधित सामग्री को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कलमकारी से लेकर उड़ीसा के पाट चित्र तक, बंगाल के धान से बने चित्र या उड़ीसा के जगन्नाथ, सभी यहाँ प्रदर्शित है। द्रविड शैली या उत्तर भारतीय शैली में बनी मूर्तियां भी यहां प्रदर्शित हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर द्वारका में उनकी गतिविधियों तक के सभी दृश्य दिखाए गए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सामग्री भी यहां प्रदर्शित की गई है। महाभारत का पूरा इतिहास कृष्ण संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इस हाउस में दो अन्य घर भी हैं जिन्हें मल्टीमीडिया भारत और गीता गैलरी के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारी प्रदान की जाती है। उनके सभी स्वरूपों, अवतारों, कार्यों आदि के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को एक दार्शनिक, सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में भी कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों, शिलालेखों आदि के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर महाभारत का पूरा इतिहास कृष्ण संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। पांडवों और श्री कृष्ण की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। किसी भी शहर की पहचान धार्मिक और सामाजिक संस्कृति के साथ साथ वहाँ की धरोहर, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और पुरातत्व सामग्रियों से होती है। कुरुक्षेत्र भी देश का एक ऐसा ही एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है जहाँ श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़ी यादों को समेटा गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय जहाँ अपने आप में एक बड़ा दर्शनीय स्थल है। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा 1987 में बनवाया गया था। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। सो गाइस आप यहाँ पर शंख देख सकते हो, टूटे मटके के टुकड़े काफी सारे हैं पुराने टाइम के। सो गाइस यहाँ पर द्वारका के समुद्र गर्भ से प्राप्त प्रस्तर निर्मित लंगर है, और ये द्वारका का हवाई मानचित्र है। सो गाइस आप ये पुस्तक देख सकते हो जो काफी पुराने टाइम की है, जिसमें फारसी से लिखा गया है।
सो गाइज आप ये धनुष देख सकते हो जो काफी पुराने टाइम का धनुष है ये। महाभारत का एक महाबलशाली पात्र बाणों की मृत्यु शैया पर कई दिनों तक पड़े रहे, जिनका नाम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, वह है भीष्म पितामह। सो गाइज आप यहाँ पर रथ देख सकते हैं जो काफी टाइम पुराना रथ है यहाँ पर, और यहाँ पर गाइज आप श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखिए, बहुत ज्यादा प्यारी मूर्ति है गाइज यहाँ पर श्री कृष्ण जी की, जो काफी बड़ी मूर्ति है। तो गाइज इसके साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके टेक केयर, टिल देन बाय गाइज।